इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है डाइकॉट वर्सेस मोनोकॉट, और इस प्रेजेंटेशन में हम डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच का डिफरेंस समझेंगे। इस डायग्राम में हमने मोनोकॉट और डाइकॉट के डिफरेंस को समराइज किया है। बहुत क्विक रिवीजन करते हैं इन डिफरेंशिएशन का, और आगे इस प्रेजेंटेशन में हम एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो मोनोकॉट होते हैं और डाइकॉट होते हैं, ये टर्म ही आया है उनके सीड टाइप से। जो मोनोकॉट होते हैं उनके सीड में एक ही कॉटिलीडन होता है। अब आगे देखते हैं कि ये कॉटिलीडन क्या होता है। फिलहाल के लिए डिफरेंसेस को समराइज करते हैं। और डाई, डाई मीन्स होता है टू, तो डाइकॉट में जो सीड होता है वह डाइकॉटिलीडन होता है, उसमें दो कॉटिलीडन होते हैं। मोनोकॉट में फाइब्रस रूट्स देखने को मिलती हैं, डाइकॉट में टैप रूट। मोनोकॉट का जो स्टेम की एनाटॉमी को अगर हम स्टडी करें तो उसमें स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल होते हैं, जबकि डाइकॉट की स्टेम में रिंग में अरेंज्ड होते हैं वैस्कुलर बंडल्स। और मोनोकॉट लीफ में हमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, जबकि डाइकॉट लीफ में हमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। मोनोकॉट का जो फ्लावर होता है वह ट्राइमेरस होता है। ट्राइमेरस मीन्स या तो उसकी पेटल्स तीन होंगी या तीन के मल्टीपल में होंगी, 3, 6, 9 इस तरह से होगा उनका नंबर, पेटल्स का नंबर। और डाइकॉट के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें वो या तो टेट्रामेरस होते हैं या पेंटामेरस होते हैं, तो या तो पत्तियां 4 होती हैं या 5 के मल्टीपल में होती हैं। तो ये तो हमने बहुत ही क्विकली डिफरेंसेस देखे हैं मोनोकॉट और डाइकॉट के। आगे हम इसी प्रेजेंटेशन में एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉटिलीडन, इसका मतलब समझते हैं। सीड में ये रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं, और जब ये एम्ब्रियो जर्मिनेट होगा, जब ये एम्ब्रियो डेवलप होगा, सीड जर्मिनेट होगा, तो ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड ये एम्ब्रियो को कॉटिलीडन का जो फूड रिजर्व है वह इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा इस एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए। तो कॉटिलीडन एक तरह का टिफिन होता है। जैसे जब आप स्कूल जाते हैं तो आपकी मम्मियाँ आपको टिफिन देती हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से कॉटिलीडन इन सीड का टिफिन है। इनमें फूड रिजर्व है, और जब ये एम्ब्रियो जर्मिनेट होगा, ग्रो होगा, उस समय ये कॉटिलीडन इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करेंगे। जब तक कि ये एम्ब्रियो से जो ग्रीन लीव्स नहीं आ जाएंगी, ये सॉइल के ऊपर नहीं आ जाएगा प्लांटलेट, और उसमें ग्रीन लीव्स नहीं डेवलप हो जाएंगी, वह खुद फोटोसिंथेसिस करने लायक नहीं हो जाएगा, तब तक ये कॉटिलीडन इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करेंगे। अब समझते हैं डाइकॉट का मतलब। डाइकॉट का मतलब ये है कि ये जो कॉटिलीडन हैं ये दो हैं, ये दो कॉटिलीडन हैं इस सीड में। तो कैसे पता लगाएं कि इस सीड में दो कॉटिलीडन हैं या एक कॉटिलीडन है? मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वे एग्जांपल रटते हैं, डाइकॉट के एग्जांपल रटते हैं और मोनोकॉट के एग्जांपल रटते हैं, जबकि कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। तो कैसे पता लगाएं? तो जैसे आपके घर में चने होंगे, तो चनों को आप 4-5 घंटे के लिए पानी में सोक कर दीजिए, और जब वो अच्छी तरह से भीग जाए पानी में, तो उनका छिलका उतार के, जो सीड कोट होता है उसको उतार के, आप देखेंगे कि चना बहुत आसानी से दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। और कुछ लोग बादाम भिगो के खाते हैं सुबह, तो रात में भिगोए और सुबह खाए, तो जब सुबह आप खाते हैं, बहुत लोगों को देखा है कि बादाम का छिलका उतार के खाते हैं, तो जब बादाम का छिलका आपने उतारा तो वह बादाम आसानी से दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। तो जो सीड दो पार्ट्स में इस तरह से स्प्लिट हो जाते हैं, जैसे यहाँ डायग्राम में भी दिखाया है, ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि यह एक डाइकॉट सीड है। तो एग्जाम्पल भी, अब आप लोग एग्जाम्पल रटते हैं, बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आपकी रसोई में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जितनी भी दालें हैं, जितनी दालें आपकी रसोई में हैं, वह सब डाइकॉट सीड हैं। तो जैसे यहाँ राजमा हमने लगाया हुआ है, ये चने, ये सोयाबीन, मटर और मूंगफली, ये सब डाइकॉट सीड्स के एग्जाम्पल हैं। अब कुछ बच्चे यहाँ पे, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि उनकी रसोई में अरहर की दाल भी उन्हें देखने को मिलेगी और चने की दाल भी उनको देखने को मिलेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें तो केवल एक सिंगल कॉटिलीडन ही समझ में आ रहा है, ये तो फर्दर टूट ही नहीं रहा है, ये टूट ही नहीं सकता है फर्दर।
स्प्लिट नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो अरहर की दाल हमारे रसोई में होती है वह स्प्लिट दाल होती है। स्प्लिट का मतलब यह है कि वह दाल, जैसे अरहर की दाल ही हम दिखा रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में, इसको तुअर दाल भी कहते हैं, तो ये असली अरहर की दाल है जो हमें खेतों से मिलती है। लेकिन जो हमारे घरों में जो अरहर की दाल आती है उसमें इसका छिलका उतार के और इसको स्प्लिट कर दिया जाता है। तो कुछ दालें हमारी रसोई में स्प्लिट सीड्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं, जो हमारे अधिकतर हम स्प्लिट सीड खाते हैं। लेकिन बहुत सी दालें ऐसी हैं जो हम होल सीड कंज्यूम करते हैं, जैसे मटर हो गई, काबली चने आपने जरूर होंगे आपकी रसोई में, ज़रूर खाते होंगे, और ये काले चने हो गए, मूंगफली हो गई, तो ये सब डाइकॉट सीड के एग्जाम्पल हैं और ये हम होल सीड कंज्यूम करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स को डाइकॉट सीड का कॉन्सेप्ट ज़रूर समझ में आया होगा और अब उन्हें एग्जाम्पल्स रटने नहीं पड़ेंगे। डाइकॉट सीड अगर आपको समझ में आ गया है तो मोनोकॉट सीड समझना बहुत ही आसान है। तो मोनोकॉट का मतलब क्या होगा कि जिस सीड में केवल एक कॉटिलीडन होता है। तो कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर हमने कॉर्न सीड का यहाँ पे हमने डायग्राम दिखाया हुआ है, इस डायग्राम को पूरा स्टडी नहीं करेंगे हम, यहाँ पर केवल मोनोकॉट और डाइकॉट का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो जो स्वीट कॉर्न होता है, स्वीट कॉर्न को मक्का का जो दाना होता है, तो उसको उसका आप छिलका उतार के देखेंगे और उसको स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल भी स्प्लिट नहीं होगा, क्योंकि इसमें केवल एक ही कॉटिलीडन है। तो जिन सीड्स में एक ही कॉटिलीडन होता है वह मोनोकॉट होते हैं। बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, जितने भी हमारे अनाज के दाने हैं, दालों के दाने जो हैं वह डाइकॉट सीड्स हैं, और जो अनाज के दाने हैं वह मोनोकॉट सीड्स हैं। जैसे यहाँ पे गेहूं का दाना देखिए, आप गेहूं को कुछ घंटों के लिए पानी में सोक कर दीजिए और इनका ऊपर का छिलका उतारिए और आप उसको स्प्लिट करने की कोशिश करिए तो ये बिल्कुल भी स्प्लिट नहीं होगा। ये एक लाइन है, इससे कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, ये डाइकॉट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आप इसका सीड कोट उतार के देखेंगे तो ये सिंगल कॉटिलीडन ही है इसमें। और राइस, तो ये चावल का दाना, तो आप खूब अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल भी स्प्लिट नहीं हो सकता। और उसी तरह से बाजरा जो चिड़ियों को लोग खिलाते हैं वह बाजरा होता है, और बाजरे को भी अगर आप सोक करें और इनका सीड कोट उतारें और तो आप देखेंगे कि वह सीड स्प्लिट नहीं हो सकता। जैसे हमने चने को स्प्लिट कर दिया था, हमने बादाम को स्प्लिट कर दिया था, उस तरह से ये जो अनाज के दाने हैं ये स्प्लिट नहीं हो सकते। तो जितने भी अनाज आप जानते हैं वह सब मोनोकॉट सीड्स हैं, और जो दालें हैं वह डाइकॉट सीड्स हैं। दो तरह की रूट्स आप ज़रूर जानते होंगे, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट में एक प्राइमरी रूट होती है और इस प्राइमरी रूट से खूब सारी ब्रांचेस निकलती हैं, तो अगर इस तरह का रूट है तो वह टैप रूट है। और जबकि फाइब्रस रूट में ये प्लांट के बेस से ऐसे धागे जैसे, कई सारे ये धागे जैसे निकलते हैं, तो ये फाइब्रस रूट होती है। घास को कभी आपने अपरूट करके देखा हो, सॉइल से निकाल के देखा हो, तो ग्रास में इस तरह के फाइब्रस रूट्स होती हैं। तो जितने भी मोनोकॉट्स हैं उनके पास फाइब्रस रूट्स होती हैं, और जबकि जो डाइकॉट्स हैं उनमें टैप रूट देखने को मिलती है। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लीव्स इज कॉल्ड वेनेशन। ये देखिए, इस तरह के पैटर्न आपने लीव्स पे ज़रूर देखे होंगे, इन्हें हम वेनेशन कहते हैं। और इन वेन्स में, ये देखिए, ये मिडरिब है और ये वेन्स हैं, और इन वेन्स में वेस्कुलर सिस्टम रन करता है, जाइलम और फ्लोइम रन करते हैं। और यहाँ तो दो तरह के वेनेशन हमें देखने को मिलते हैं, पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन। तो अगर ये वेन्स पैरेलल रन कर रही हैं, यहाँ डायग्राम में देखिए, बहुत ही अच्छा डायग्राम है ये, बनाना लीव्स में हमने वेनेशन दिखाया है, तो ये वेन्स पैरेलल रन कर रही हैं, तो इस तरह के वेनेशन को हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं, और ये हमें मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। जबकि अगर ये नेट जैसा स्ट्रक्चर बना रही हैं ये वेन्स, तो ये रेटिकुलेट वेनेशन होता है और ये डाइकॉट्स में देखने को मिलता है। कैसे पहचाने, एक तो पहचानना बहुत ही आसान है, अगर पैरेलल रन कर रही हैं वेन्स तो पैरेलल है, नर्व ये जो नेट जैसा अगर कुछ दिख रहा है तो वह रेटिकुलेट वेनेशन है। एक और आपको बता देते हैं तरीका, यहाँ पे देखिए, ये एक ये हल्का सा स्प्लिट हो रखा है ये लीफ बनाना की, तो देखिए बिल्कुल सीधी लाइन में स्प्लिट हो रखी है। तो आप किसी भी पैरेलल वेनेशन वाली लीफ को अगर आप मार्जिन से स्प्लिट करते हैं तो ये बिल्कुल सीधी लाइन में ये पत्ता कटेगा।
तो अगर बिल्कुल सीधी लाइन में पत्ता कट रहा है तो वह पैरेलल वेनेशन है उस लीफ के अंदर। लेकिन अगर आप इस लीफ को जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन है आप इसको मार्जिन से अगर टियर करने की कोशिश करेंगे तो ये जिगजैग लाइन में आड़ी तिरछी लाइन में ये स्प्लिट होगा, ये बहुत स्मूथली स्प्लिट नहीं होगा। तो इस तरह के वेनेशन रेटिकुलेट वेनेशन होते हैं। हाँ, एक और बात बता दें आपको कि डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट्स का आप अपने आप बहुत आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। लीव्स को स्टडी करिए, तो जैसे घास होती है, ग्रास होती है, तो ग्रास का जो लीफ ब्लेड होता है अगर आप उसको स्प्लिट करते हो तो वह बिल्कुल सीधी लाइन में टूटता है, कटता है। तो इस तरह के जितने भी लीव्स होंगे जहाँ पर आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा वह सब मोनो कॉर्ड्स हैं। ये वेनेशन, ये जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर है इसके बेसिस पर हम डाइकॉट और मोनोकॉट का बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं। जितनी भी ग्रासेस हैं उनमें पैरेलल वेनेशन होता है। और अभी अभी हमने बात करी गेहूं और मक्का, तो ये जो ग्रास फैमिली को बिलोंग करते हैं अधिकतर अनाज, जैसे गेहूं चावल, ये ग्रास फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो इनमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, या ऐसा कह लीजिए कि जिन प्लांट्स में हमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है वह सब मोनोकॉट प्लांट्स हैं। लिली का अगर आपने प्लांट देखा हो, बहुत ही सुंदर फूल होता है लिली, वह भी एक मोनोकॉट है। यहाँ हमने नंबर ऑफ पेटल्स के बेसिस पे टाइप्स ऑफ फ्लावर्स बताए हैं। तो अगर पेटल्स की संख्या 3 है तो ये एक ट्राइमेरस फ्लावर है, पेटल्स की संख्या 4 है तो ये एक टेट्रामेरस फ्लावर है, और अगर 5 है तो ये एक पेंटामेरस फ्लावर है। तो टेट्रामेरस और पेंटामेरस, ये दो तरह के फ्लावर्स हमें डाइकॉट्स में देखने को मिलते हैं, और ये ट्राइमेरस फ्लावर्स हमें मोनोकॉट्स में देखने को मिलते हैं। यहाँ एक और बात बता दें कि ज़रूरी नहीं है कि संख्या बिल्कुल एग्जैक्ट 3, 4 या 5 होगी, लेकिन इनके मल्टीपल में भी हो सकती है। जैसे 3 का मल्टीपल तो 3, 6, 9 भी हो सकती है, तो उस तरह से पेटल्स की संख्या 3 है या 3 के मल्टीपल में है। तो इस तरह से अगर आप पेटल्स की संख्या को काउंट करते हैं तो भी आप बहुत आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये प्लांट एक मोनोकॉट है या डाइकॉट है। अगर हम स्टेम की एनाटॉमी पढ़ते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं स्टेम का, तो अगर ये वैस्कुलर बंडल्स रिंग में अरेंज हैं, ये चीज़ें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एनाटॉमी डिस्कस करेंगे प्लांट की, तो वहाँ ये सारी बातें हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे। तो फिलहाल के लिए समझते हैं कि अगर हम स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो अगर ये जो वैस्कुलर बंडल्स हैं ये रिंग में अरेंज्ड हैं, जाइलम फ्लोएम के ये जो बंडल्स हैं ये रिंग में अगर अरेंज्ड हैं तो वह एक डाइकॉट स्टेम है। जबकि अगर ये वैस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड हैं, पूरी स्टेम में स्कैटर्ड हैं, कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो ये एक मोनोकॉट स्टेम है। जो भी बातें अभी हमने डिस्कस करी वह सारे डिफरेंसेस यहाँ हमने टेबल फॉर्म में मेंशन किए हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, ऑलरेडी बहुत डिस्कशन कर लिया है हमने इन डिफरेंसेस पर, और ये टेबल आप अपने नोट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं।